नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल एनलेस स्ट्रेंथ पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एल सिट्रुलिन के बारे में। एल सिट्रुलिन क्या होता है, वो हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या हैं, उसकी जो फॉर्म है वो कौन कौन सी है, और उसकी डोजेज हमें कितनी लेनी चाहिए मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। तो काफी पॉपुलर सप्लीमेंट है जिम लाइन में, तो अगर आप इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। और आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो एक छोटे से इंट्रो के बाद। एल सिट्रुलिन क्या है और ये हमारी बॉडी में काम कैसे करता है? तो एल सिट्रुलिन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, और आपको पता ही है एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती है, हमें खाने से या सप्लीमेंटेशन के थ्रू लेने होते हैं। बट जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, तो एल सिट्रुलिन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। अब बात आती है हमारी बॉडी में काम कैसे करता है। तो गाइस, जब हम एल सिट्रुलिन लेते हैं तो वो हमारी किडनी तक जाता है और किडनी में वो कन्वर्ट होता है एल आर्जिनिन में। तो एल आर्जिनिन भी एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, और एल आर्जिनिन में कन्वर्ट होने के बाद ये कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, एनओ में, और एनओ हमारे ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करता है जिससे हमारी बॉडी में होता है वैजोडाइलेशन। वैजोडाइलेशन क्या होता है? वैजोडाइलेशन का मतलब है हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो ओपन हो जाती हैं, जिससे जो ब्लड फ्लो है वो काफी इंप्रूव हो जाता है, ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड फ्लो करता है और ज्यादा स्पीड से ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो को काफी अच्छा करता है नाइट्रिक ऑक्साइड जब वो हमारी ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करता है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि अगर एल सिट्रुलिन हमारी बॉडी में जाके कन्वर्ट होता है एल आर्जिनिन में, तो हम एल आर्जिनिन ही क्यों ना ले लें? तो गाइज, उसके दो रीजन हैं। पहला रीजन है कि एल आर्जिनिन की जो एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में वो काफी पुअर है सिट्रुलिन के मुकाबले। सिट्रुलिन जब आप लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है, ज्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो अगर आप 100 ग्राम आप एल सिट्रुलिन लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो 45 to 50 ग्राम एब्जॉर्ब हो जाएगा। बट अगर आप एलार्जिनिन लेते हैं 100 ग्राम तो उसकी एब्जॉर्प्शन रेट बहुत कम है, 20 to 30 ग्राम ही वो एब्जॉर्ब हो पाएगा। और सेकंड जो रीजन है वो ये है कि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में एलार्जिनिन ले लेते हैं, लाइक 10 ग्राम 15 ग्राम पूरे दिन में अगर आप एलार्जिनिन ले लेते हैं, तो वो आपके स्टमक को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अपसेट कर सकता है, आपको डायरिया भी कर सकता है, ये उसका एक साइड इफेक्ट है। बट अगर आप सिट्रुलिन की डोसेज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और 10 से 15 ग्राम तक भी पहुंच जाते हैं तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, वो आपके स्टमक को भी अपसेट नहीं करेगा और ना ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे कोई असर पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो पहला बेनिफिट है बेटर रिकवरी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम सिट्रुलिन लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और जब नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी ब्लड वेसल्स में जाता है तो ब्लड वेसल्स को ओपन करता है, जिसको बोलते हैं वैजोडाइलेशन, जिससे कि ब्लड वेसल्स ओपन हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, जिससे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और जो ब्लड की क्वांटिटी थी वो भी बढ़ जाती है फ्लो होने की हमारी बॉडी में। और आप सबको पता ही है ब्लड हमारी बॉडी एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सब सप्लाई करता है ब्लड हमारी बॉडी में। तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन सप्लाई काफी अच्छी हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई काफी अच्छी हो जाएगी, जिससे मसल की रिकवरी भी फास्ट हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, क्योंकि मसल तक न्यूट्रिशन अच्छे से पहुंच रहे हैं, ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच रही है, जिससे कि उसकी रिकवरी में भी काफी बेनिफिट मिलेगा। सेकंड बेनिफिट है वैस्कुलरिटी एंड पंप, और ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन फील करना ड्यूरिंग वर्कआउट। तो जब हम एल्सिट्रोलिन लेते हैं और उसके बाद वर्कआउट करते हैं तो वैजोडाइलेशन हो चुका है, ब्लड फ्लो बढ़ चुका है, जिससे कि हम ज्यादा पंप फील करेंगे और साथ ही जो भी बॉडी पार्ट आप ट्रेंड कर रहे हैं उस पर ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन भी फील कर पाएंगे। और साथ ही वैजोडाइलेशन हो चुका है तो आपकी जो वेन्स की विजिबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, मोटी मोटी नसें नजर आएंगी, आप ज्यादा वेस्कुलर नजर आओगे, तो वेस्कुलरिटी काफी अच्छी हो जाएगी। थर्ड बेनिफिट है एंड्यूरेंस एंड स्टेमिना। तो जब एल सिट्रुलिन आप लेते हैं तो उसके बाद जब आप वर्कआउट करते हैं तो उसमें आपका जो भी फटीक लेवल है उसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा, आप ज्यादा देर तक वर्कआउट कर पाएंगे, एंड्यूरेंस आपकी बढ़ जाएगी, स्टेमिना बढ़ जाएगा, जिससे आप ज्यादा लेट तक वर्कआउट कर पाएंगे, ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे।
तो जब बात करते हैं सिट्रुलिन की डोसेज के बारे में, और मार्केट में दो तरह के सिट्रुलिन आते हैं, एक आता है एल सिट्रुलिन और एक आता है सिट्रुलिन मैलेट, तो कौन सा ज्यादा बेटर है? जो सिट्रुलिन है उसके बारे में हमने बात की, अब बात करते हैं सिट्रुलिन मैलेट के बारे में। इसमें सिट्रुलिन प्लस मैलेट मतलब मैलिक एसिड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और सिट्रुलिन के फायदे मैंने आपको बताया, अगर आपको चाहिए वैसोडाइलेशन मतलब की वैस्कुलरिटी, अगर आपको चाहिए ब्लड फ्लो अच्छा करना है ड्यूरिंग वर्कआउट, तो आप सिट्रुलिन के साथ जा सकते हैं, प्री वर्कआउट आप सिट्रुलिन ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वैस्कुलरिटी के साथ साथ आपको स्ट्रेंथ भी मिले, पावर भी मिले, तो आप ले सकते हैं सिट्रुलिन मैलेट, क्योंकि जो मैलिक एसिड होता है वो आपकी बॉडी में एटीपी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो कि आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने में, एनर्जी देने में हेल्प करता है। अब आपके गोल पे डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको वैस्कुलरिटी चाहिए, अच्छा ब्लड फ्लो चाहिए, तो आप सिट्रुलिन ले सकते हैं एज ए प्री वर्कआउट। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वैस्कुलरिटी के साथ साथ आपको चाहिए कि आपको स्ट्रेंथ भी मिले, तो आप सिट्रुलिन मैलेट अपनी सप्लीमेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। तो जब बात करते हैं डोसेज की और किस तरीके से इसको आपको लेना है, तो आपको सिट्रुलिन लेना है अपने वर्कआउट से एक घंटा पहले, और उसमें आप 3-5 ग्राम तक सिट्रुलिन ले सकते हैं, जिससे आपको काफी बेटर रिजल्ट मिलेंगे अपने वर्कआउट के दौरान। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, वहां पे मैं mahesh_strength के नाम से हूं। तो वहां पे वीकली मैं एक बार लाइव सेशन भी करता हूं, जिसमें हम Q&A करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें बहुत ही ज्यादा हेल्दी कन्वर्सेशन रहती है। तो और साथ ही आप मुझे DM भी करके कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। लाइफ इज अ पार्टी एंड वी आर गोना रॉक, एक्शन की है बारी अब करना नहीं टॉप, पलटे ऐसी बातें सब हो जाएंगी शॉप, नो 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 न